पटना में पार्किंग को लेकर बवाल हुआ है और आपको बता दें कि इलाके में फिर से आगजनी की गई है। जैसा कि हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जानकारी दे रहे थे, दो गुटों में मारपीट के बाद गोलीबारी हुई और आपको बता दें कि एक बार फिर से वहां पर आगजनी की जानकारी मिल रही है। चंद्रमोहन लगातार वहां पर बने हुए हैं, अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रमोहन अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए ये सामने एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ है राय निवास। श्रीमती मीणा देवी का ये घर है जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं जिला परिषद की, और ये कहा जा रहा है कि इसी घर से साजिश रची गई थी। उमेश राय के परिवार से जुड़ा हुआ लोग हैं जिनके ऊपर फायरिंग करने का आरोप लगा था और इसी घर में घुसाए लोगों ने आग लगा दिया था। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं पूरा जो सामान है वो बिखरा पड़ा है, और उसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद जो फायर टेंडर की गाड़ी पहुंची थी वो इस आग पर काबू पाई थी। हालांकि जो लोग घर में मौजूद थे उनको काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया था, लेकिन जिस तरह से पटना से सटे, राजधानी पटना से सटे ये ताबड़तोड़ तकरीबन 50 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुआ और उस जिसमें 5 लोगों को गोली लगी, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो ये जो आसपास के लोग हैं, अभी ये तस्वीर देखिए, लोग खड़े हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जो 3 लोग जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं उनके क्या हालात हैं, ये जानने की लोग जरूर कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमोहन आप बता रहे हैं कि इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है और देखिए हम तस्वीरों में भी इसे देख पा रहे हैं, लेकिन जानकारी ये भी मिली कि एक बार फिर से वहां पर आगजनी की गई है, ये कैसे मुमकिन हुआ है जबकि भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर रात से ही है। बिल्कुल, देखिए उमेश राय का ये घर है और घर का ये पिछला हिस्सा है जहां पर अभी भी ये धुएं का गुब्बार निकल रहा है, मतलब घर के अंदर में आग लगी हुई है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि कल जो आग लगाई गई थी उसके बाद जो फायर टेंडर की गाड़ी पहुंची थी उस आग पर काबू पा लिया था, इसका मतलब ये हुआ कि सुबह में ये आग लगाई गई है। हालांकि लोगों में काफ़ी गुस्सा है और खास तौर पर चंद्रिका राय और साथ ही उमेश राय, जिनको दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से एक ज़मीन है तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा का, उसको लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा है। और इसी को लेकर कल जब ट्रैक्टर का पार्किंग किया जा रहा था, सामने ये गंगा नदी है और इसी के किनारे पार्किंग ट्रैक्टर को करना था और उसी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद जमकर फायरिंग हुई है। तकरीबन 50 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुई है जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। तो जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिर जो लोग पहुंचे थे वो कौन थे, किस तरह से उन लोगों ने फायरिंग की जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। तो इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। तो वहीं लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है इस इलाके के लोगों में, और उमेश राय के घर में फिर से एक बार आग लगा दी गई है। हालांकि पुलिस की भारी तैनाती यहां पर की गई है और ये जो मेन रोड है ये फतवा होते हुए और हाईवे को जोड़ती है, तो एक तरह से कहा जाए तो पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उन लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि ये जो उमेश राय का घर है उनके घर में आग लगा दी गई थी कल शाम में, और अभी भी धुएं का गुब्बार पीछे से निकल रहा है। मतलब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक घर के पिछले हिस्से में जो आग लगी है वो आग आज सुबह में लगाई गई है, और ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आसपास के लोग हैं अभी भी सड़कों पर हैं। तो ये लड़ाई दरअसल चंद्रिका राय, जिनको चनारिक राय के नाम से भी जाना जाता है, और उमेश राय, इन दोनों के बीच में एक पहलवानी के लिए ज़मीन है जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और तकरीबन 3 करोड़ का ज़मीन है जिसको लेकर पिछले कई महीनों से, कई सालों से विवाद चला रहा है, और इसको लेकर दोनों के बीच में कई बार तनातनी हुई, मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, लेकिन ये मामला अब तक नहीं सुलझा। और कल जब ट्रैक्टर का पार्किंग किया जा रहा था उसी दौरान ये विवाद बढ़ा और दोनों तरफ से जमकर पहले मारपीट हुई, झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद फायरिंग की गई जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग तो पहले गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही उनकी पहचान किन के रूप में हुई है, कौन लोग वो थे, क्या वो परिवार से ही ताल्लुक रखते थे या उसमें बाहर के भी लोग हैं? चलिए, तकरीबन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो लोगों में गुस्सा ज़रूर है इस बात को लेकर, लेकिन पुलिस की यहाँ पर तैनाती है ताकि जो आसपास के लोग हैं, आने वाले लोग हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये ज़रूर कोशिश की जा रही है। और अरे भैया, हम लौट रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं,
तो इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है और जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे थे, एक बार फिर से वहां पर आगजनी की गई है। हालांकि पुलिस बल की तैनाती वहां पर है, लेकिन मौके पर लोगों की भीड़ भी मौजूद है और लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। दो लोगों की इस फायरिंग में मौत हुई है और ऐसे में अब तक वहां पर तनावपूर्ण माहौल बने हुए हैं। घटना के बाद से ही इलाके में सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है और यही वजह है कि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 8 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वहां पर अब भी उस इलाके में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जी चंद्रमौर, बिल्कुल देखिए, ये जो इलाका है जेठुली, यहाँ पर बेसिकली उमेश राय और चनारिक राय, जिनको चंद्रिका राय के नाम से भी जाना जाता है, वो उनके उन दोनों के बीच में विवाद हुआ था और उसके बाद आप तस्वीरों में